भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। ये मेरा बदलावा अवतार जो है ये मेरी फिल्म भाग के सारी भाग का लुक है और इस फिल्म में मैंने एक पंडित की बेटी का रोल किया है जो खुद भी पूजा पाठ करवाती हैं बट शी इज़ डिफरेंट, वो थोड़ी अलग है और क्या अलग है वो तो खैर फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये जो लुक है ये आप कह सकते हैं कि आजकल के पंडित का लुक यो वाला। असल में मैंने पीछे देखा कि आप बुलेट की सवारी कर रही थी। जी बिल्कुल। इस फिल्म में मैंने काफ़ी कुछ नया नया ट्राई भी किया है, पहली बार मैं बुलेट चला रही हूँ और अभी आपने ऐसा देखा होगा क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी शॉट है और इसमें बुलेट का ऐसा मतलब रिक की तरह उसको बांध कर और ये सब करके यूज़ किया जा रहा है, बट नहीं, मैंने सही में बुलेट चलाने का शॉट भी दिया है, ये आपको फिल्म में दिखेगा। तो मैंने अच्छे से बुलेट चलाई है पूरे फिल्म में। मुझे ऐसा यहाँ देख के ऐसा लगा कि शायद आपको गाड़ी चलानी नहीं आती इसीलिए ट्रॉली शॉट ले रहे हैं। नहीं, ये तो यार परेशान करने वाली बात है, गाड़ी चलाना नहीं आता इसीलिए ऐसे कर रहे। नहीं, इट इज़ अ ट्रिकी शॉट, वो बहुत चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती हैं इसलिए ऐसा हुआ है। और इसके पहले भी जब मैंने बुलेट चलाई थी तो मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, उसमें मेरी टांगें भी टूटी हैं और 2 महीने इसके लिए मैंने बेड पर इंतज़ार भी किया है वापस। तो इतना सब कुछ होने के बाद अभी फिर से जब मैं बुलेट पे बैठ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहीं सब कुछ सारे इंतज़ाम होने के बाद भी थोड़ा एक डर लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, कब की बात है, कैसे दुर्घटना हुई थी भाई स्मृति सिन्हा के साथ? हाँ, स्मृति सिन्हा के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। बुलेट ही चलाने का शॉट था और बेसिकली वो नाइट का शॉट था और जो सरफेस था वो इवन नहीं था तो उस वजह से बुलेट के साथ ही गिर गई थी मैं और वो मेरे राइट पाँव पर गिरा था और मेरा राइट पाँव फ्रैक्चर हो गया था तो प्लास्टर लगाकर मुझे रहना पड़ा था लाइक 1 महीना। तो अच्छा खासा उसके बाद एक लेसन ले लिया कि सारे ये करूँगी, काम करूँगी, लेकिन गाड़ी चलाने में थोड़ी सी वो रखूँगी, एहतियात रखूँगी। भाग के सारी भाग, मुझे बताया गया कि स्पोर्ट्स पर, खेल पर आधारित ये फिल्म है, भोजपुरी में बेसिकली खेल पर आधारित शायद फिल्म बहुत कम बनी है या नहीं बनी है, मुझे पता नहीं बनी है, ये पहली फिल्म ऐसी है जो खेल के ऊपर बन रही है और सिर्फ मैंने ही नहीं, जैसे मेरा पार्ट मैंने बताया कि मैंने बहुत मेहनत की है, उसी तरीके से खेसारी जी ने भी उतनी ही मेहनत की है और जब आप उनकी स्टोरी सुनोगे तो वो भी बहुत ही दिलचस्प और बहुत सारे एडवेंचर्स के साथ मिलेगी आपको। तो हम सब ने बहुत मेहनत करके ये फिल्म बनाई है और आज इस फिल्म के शायद मेरा आखिरी शेड्यूल है इस फिल्म के साथ, तो मे बी ये लोग आगे भी शूट कर रहे हैं लेकिन आज मेरा वाइंड अप होगा इस फिल्म में। खेसारी जी के साथ आपकी एक लंबे समय के बाद फिल्मी नज़र आएगी, वैसे भी आप खुद भी काफ़ी वक्त के बाद पर्दे पर नज़र आएंगी, ये आपकी कमबैक फिल्म कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इस फिल्म को जैसा कि मैंने आपको पहले भी हमारी बात हुई थी तो मैंने कहा था कि मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही हूँ जिसमें स्मृति सिन्हा के कुछ करने लायक चीज़ें हों, तो यस ये वो फिल्म है जिसमें मुझे कुछ अच्छा करना, कुछ डिफरेंट करने को मिल रहा है, तो इसलिए ये मेरी कमबैक मूवी कह सकते हैं आप। इतने सालों बाद जब आप वापस आ रही हैं, खेसारी कितने बदले हुए नजर आए आपको? मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। क्यों? हमारी पता नहीं, अब वो तो आप उनसे पूछिए, मेरे लिए बिल्कुल नहीं बदले हैं, वो जैसे हम पहले मिलते थे, जैसे हम पहले काम किया करते थे, जितनी अच्छी केमिस्ट्री हमारी पहले थी अभी भी उतनी ही अच्छी है, आप उससे भी अच्छी कह सकते हैं। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? जी, इस फिल्म के डायरेक्टर प्रिमांशु सिंह जी हैं जो मेरे 90% हिट फिल्मों के डायरेक्टर हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इस फिल्म में फिर से वो तिगड़ी आई है जो
खिसारी जी, स्मृति सिन्हा एंड प्रिमांशु सिंह जी। तो ये इन तीनों की तिगड़ी जब जब आती है फिल्म बाय गॉड ग्रेस सुपर हिट हो जाती है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम तीनों फिर से आए हैं और फिर से काम कर रहे हैं साथ में। और कौन कौन फिल्में आप इसके बाद? मेरी एक फिल्म है परवरिश, जिसमें रितेश पांडे जी, शिविका जी, यश जी और मैं हूँ। तो हम चारों के ऊपर वो फिल्म है और यशी फिल्म्स के बैनर तले है वो फिल्म, और अजय जी उसके डायरेक्टर हैं, अजय श्रीवास्तव। तो वो फिल्म भी लगभग बन के तैयार है और बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसकी अधिकतर फिल्में जो लखनऊ में हुई है, नवाबों के शहर का जाता है, कितनी यादें ताज़ा करना चाहेंगी इस फिल्म के माध्यम से? मत पूछिए यादें, मुझे लखनऊ शहर में सिर्फ अपना एक्सीडेंट याद है। क्योंकि मैंने 3 या 4 दिन ही शूट किया था, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और वो कहते हैं ना, भगवान कभी कभी वो शक्ति दे देते हैं। उस टूटे हुए पैर के साथ मैंने अगले 8 दिन शूट किया है, और हर बार मुझे डॉक्टर्स कहते थे आप प्लास्टर लगवा लीजिए, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ यही था कि एटलीस्ट जो टॉकी पोर्शन है वो ख़त्म हो जाए। तो उसका जो है आगे फिर एटलीस्ट ये नहीं होगा कि फिल्म बीच में बंद हो जाएगी। तो इस थॉट के साथ मैं हर बार डॉक्टर को कहती थी, क्या हम कुछ दिन और रुक सकते हैं, क्या हम कुछ दिन और रुक सकते हैं? तो डॉक्टर वाज लाइक, ये आप अपना रिस्क खुद ले रहे हैं, तो बाद में आपका पैर ठीक नहीं होगा तो मुझे मत बोलना। मतलब आपका एक बहुत बड़ा समर्पण और त्याग इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है। कह सकते हैं मैंने अपना खून दिया है इस फिल्म को। जी, तो इस फिल्म को लेकर ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से तो मेरी यही अपील होगी, प्लीज़ 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 इस फिल्म को देखें और थिएटर में जाकर देखें। यूट्यूब या किसी डिजिटल चैनल पर देखने का वेट ना करें, क्योंकि इस फिल्म में जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी हमने पेन उठाया है जितना इस फिल्म को बनाने के लिए, हालांकि हर फिल्म को बनाने के लिए उतना ही पेन उठाया जाता है, बट ये जो एक समर्पण और त्याग की बात हम कर रहे हैं, मेरे एंड से भी मैंने बहुत किया है, खेसारी जी ने भी बहुत, क्योंकि ये खेल के ऊपर है तो उनको भी एक खिलाड़ी का वो प्ले करना था रोल, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स तो मेहनत करते ही हैं। तो इस फिल्म को आप जितना अच्छे से पर्दे पर एंजॉय करेंगे, उतना अच्छा आप लोगों को शायद ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ना लगे। तो इसलिए प्लीज़ 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 जाइए और सिनेमा घरों में जाकर पूरी फैमिली के साथ मूवी देखिए। ये मैं हूँ तो ऑब्वियसली फैमिली मूवी होगी। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।